जी घर पे कैसे रहे आपके दिन? बहुत बढ़िया रहे भाई। देखो पंकज पहलवान ने भाई छोटू भाई का सूरा काम ही खराब कर दिया है यार। भाई ये क्या? ये है शाबाश कीते शाबाश जोंकरू। हाँ नीचे से गया ना मेरे भाई। हाँ पूरी स्पीड से। हाँ जोंकरू छोटू भाई, अजी इसमें अजी। बिस्किट है, वो नहीं काला बिस्किट भी खाएंगे साथ साथ में। तो भाई अभी ना हम इलायची वाली बकरी के दूध की चाय पीने लगे हुए हैं। बाकी ये शिव जी का धुना यहाँ पे जल रहा है, एकदम मस्त ये टेंट लगा हुआ है। और बाकी भाई छोटू भाई यहाँ पे आजकल अकेले अकेले संभाल रहे हैं बकरियों को, क्योंकि मांझी और मामा जी भेड़ों की ऊन निकालने के लिए रोहतांग पास वाले उस एरिया में गए हुए हैं। बाकी अब हम चाय पीने लगे हुए हैं, साथ में ये बिस्किट खाने लगे हुए थे। भाई कैसे बनी है चाय? एक नंबर। एक नंबर बनी है देखो ना। दोस्तों, तो जो ऊपर तैर रही थी जो इलायची इलायची, वो मैंने खा ली अलग अलग निकाल के, और बहुत ही टेस्टी बनी है चाय। जबरदस्त। 8,500। हाँ जी। आगे पड़ी नहीं मुझे सच्ची बात है कि ऐसे चौंक रहे हैं आप? ऐसी सच्ची बात है बनाया तो नहीं ये भाई चौंक रहे हैं ना ऐसे वाला? सच्ची बात। अरे वो मीडिया में छाया हुए थे बंदे। अच्छा पीछे जैसे नींबू भी तो महंगा हुआ था ना भाई, 200-250 रुपए किलो। हाँ नींबू चलो होता रहता है ना बीच बीच में, तो टमाटर ये भी हो गए 28-30 रुपए। भाई अभी ना मलका मसर बना रहे हैं, मसर की दाल बना रहे हैं, और बाकी भी हम चावल बनाएंगे। हमने सोचा कि अभी चावल दाल ही बनाते हैं, कौन वो चपाती वगैरह बनाएगा? छोटू भाई मैं काटूँ है, बस हो गया। अरे लोग बोलते हैं मैं हेल्प नहीं करता आपकी, मैं डाल दूंगा छोटू भाई, वहाँ से ना कुकर के अंदर हेल्प हो जाएगी आपकी। हाँ जी बहुत हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। आराम से कर छोटू भाई, अभी नहीं जला तड़का। भाई छोटू भाई का ना टॉर्च जो सिर पे लगाते हैं ना, ये बड़ा अच्छा स्टाइल लगता है मुझे। अब मुझे लोग बोलेंगे भाई टॉर्च दे दो इनको, एक यार मैं क्या क्या दूं इनको, मुझे समझ नहीं आ रही है भाई। टॉर्च दूं कि स्लीपिंग बैग दूं कि टेंट दूं? छोटू भाई कुत्तों के लिए भाई रोटियां बनाएंगे, आटा निकाला है छोटू भाई ने ये इसके अंदर। बाकी यहाँ पे मसर की दाल रखी है, मतलब यहाँ पे सीटियां आएगी, इसको आने वाली है भाई, पकने आने वाली है, आने वाली है। पीछे हो जाऊं मैं? नहीं, और मरे ये इसरो का वो थोड़ी है, रॉकेट की ऊपर जाएगा और मुझे भी ले जाएगा। पर हाँ अगर कुकर फट गया तब। आजकल भाई ना छोटू भाई ने, अरे छोटू भाई बोल रहे थे, बोला भेड़ बकरियां बेच देंगे और कुकर दो कर दिए ना। छोटू भाई घर गए थे तो कुकर ले आए एक, और ये नया वाला कुकर आया, पर इसकी ये वाली ना मुंडी जला देंगे कुछ ही दिनों में, ये नहीं दिखेगी फिर आपको अगले ब्लॉग तक तो नहीं होगी ये ब्लॉग तक। बाकी ना चावल वहाँ पे बना के रख लिए छोटू भाई ने पहले ही कुकर के अंदर। यार छोटू भाई क्या बात है आपकी है, घोड़ों के लिए? हाँ जी घोड़ों के लिए। भाई अभी पहले भाई ना पहले अभी छोटू भाई ऐसे गोले बना लेंगे, बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे, और उसके बाद फिर चांटे लगाएंगे इनको। शाबाश। हाँ तेरा कुत्ते मन दा नहीं लगी रहा ले। हाँ मेरे कुत्ते तो बोलना लगी रहे हो। हाँ भाई ये टेंट लगा हुआ है यहाँ पे ना, छोटू भाई हैं अकेले।
मैं भूली, बताया मैंने आपको पहले कि नहीं बताया? बताया होना ना, छोटू भाई अकेले संभाल रहे हैं आजकल भेड़ बकरियां, दो तीन दिन से बकरियां संभाल रहे हैं, क्योंकि भेड़े तो ले गए हुए हैं वो मामा जी और मां जी ऊन निकालने के लिए। ये पूरा जंगल वाला एरिया इस तरफ को पूरा सुबह दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी बकरियां उस तरफ को हैं, बाकी रखवाली करने के लिए कुत्ते हैं, एक शिल्पा है और तीन मेल डॉग हैं, एक फीमेल डॉग। बस भाई थोड़े दिनों की बात है, फिर इस एरिया में पूरा बर्फ ही बर्फ होगा, तबाही होगी, तबाही बर्फ से। पहले बरसात ने तबाही की, फिर बर्फ से। आपने डाल डाल दिया ना छोटू भाई ने? भाई दो रोटियां बनाई कुत्तों के लिए, आधे आधे देंगे, मतलब कि बहुत हैवी हैवी रोटियां है ना ये, शायद से किलो डेढ़ किलो आटा तो होगा ही होगा ये। हेल्थ इश्यूज ऐसा बोलो, सब पी रहे हैं हम, इसको फोन जा रहे हैं हमने, आओ तो पिएंगे हम, ऐसा नहीं है यार, एक बंदे को एक बियर के साथ क्या होगा यार, बियर पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, बियर नहीं है ना यार। दो वैसे यहाँ पे इतनी ठंड है कि ये ऑलरेडी इतना ठंड होगा जूस ना, छोड़ भाई गिलास नहीं लेना, कैसे पी लेना ये जूस भी है यहाँ भाई। अच्छा चकी दादा काम है छोटू भाई, भाई एप्पल जूस थोड़ा थोड़ा पीने लगे हुए हैं, बाकी छोटू भाई थोड़ा वो देखने लगे हुए हैं कपिल वाली कॉमेडी, बाकी आग थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी इसको थोड़ा सा और सुलगाएंगे अभी हम। तो भाई छोटू भाई के लिए ना ये जूस है, छोटू भाई थोड़ा सा जूस पीने लगे हुए हैं, और हम ना ये अखरोट खाने लगे हुए हैं, एक मामा जी हैं बोले के आए थे अखरोट इनके लिए, तो इनको हम खाने लगे हुए हैं। है कैसे भाई, ये भाई भी खाने लगे हुए, अच्छे हैं ना, दिखाना ये खाना, फोकस फोकस, इधर रखो हाथ पे जरा, जबरदस्त है भाई, लो ये भाई अखरोट, हार्ट के लिए ठीक होते हैं। हाँ दिमाग के लिए, किसी का लिए, किसी का दिमाग खराब हो ना। थोड़े छोटे भाई थोड़े पाओ, और थोड़े जे वो बड़े बार हुई है, बस छोटे भाई जाता नहीं पैर चौड़ा, नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं तो शिल्पा चली गई, नमक वगैरह का नाम शिल्पा है, क्या करें भाई, ने नक्का ही नाम शिल्पा है। तो भाई अभी हम ना लगे खाना खाने, आज हम ये मसर और कोई सीन नहीं छोटे भाई, आज हमने बनाए हुए हैं चावल, ये मसर और बस छोटू भाई यहाँ पे कम होता नहीं। जय भोले शंकर। जबरदस्त छोटू भाई नमक, बहुत बढ़िया, छोटू भाई यार इतनी ठंड क्यों है यहाँ पे भाई, तो अरे भाई गलती कर दी मन्ने, यहाँ आके बहुत ठंड लग गई मन्ने भाई, बहुत ही अच्छा खाना बनाया छोटू भाई ने, और मतलब ऐसे इतना मजा, मतलब यार घर पे नहीं आता खाना खाने का, इतना यहाँ पे आता है मस्तर, और जबकि छोटू भाई और आप अभी खाना खाने लगे हुए, मतलब कैमरा मैन भाई तू भाई, और मैं खाने लग गया हूँ, अब क्या करूँ, भूख लगी थोड़ी सी, हमारे छोटू भाई को दिखाओ जरा एक बार, छोटू भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया ना, चलो तो करो शुरू। छोटू भाई कुत्तों को ना खाना डालने लगे हुए हैं, छोटू भाई सबसे छोटे वाला डॉगी आया है अभी खाने के लिए, और अभी सबसे पहले खाना खाने के लिए आया हमारा चोंकू। कितने महीने का हुआ भाई ये चोंकू? हो गया भाई 8-10 महीने का तो हो गया। हाँ इतने का है, इन्होंने दिया दीपू भाई ने गिफ्ट, वो मुझे भी एक बेड पार्क ने दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों राजू भाई का चोंकू, चोंकू नाम है इसका शायद, झोंकरू झोंकरू, क्या इसका मन नहीं लग रहा है कुछ खाने में, ये शर्मा रहा है कैमरे से, चलो चलते हैं यहाँ से भाई। इस शिल्पा ना, शिल्पा की सेहत ठीक ले छोटू भाई इस बार, है ना
इसकी साल ठीक हुई है भाई। शिल्पू सबसे तेज और फुर्तीली है भाई ये, और एक्टिव इतने ना। एक ही फीमेल इनके पास वो है, ये शिल्पा डॉग्स को। क्या शानदार जिंदगी भाई, और क्या शानदार कैंपिंग यहाँ पे। बस बज गए भाई अभी रात के, तो भाई अब रात के 11 बजे, मतलब आग तो जल ही रही है। बाकी इधर भाई थू भाई, बाकी हमारे छोटू भाई ना बिस्तर की तैयारी लगे करने सोने की, सो जाएंगे अभी हम, क्योंकि सुबह उठना भी है जल्दी। भाई छोटू भाई भी अकेले हैं यहाँ पे आजकल, और तो छोटू भाई भी अकेले हैं भाई, यहाँ पे सारा काम संभालना पड़ रहा है छोटू भाई को, तो अभी सो जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे ताकि सुबह एक नई एनर्जी के साथ थोड़ा उठें और अपने अपने काम पे डट जाएं सब। रेडी हो गया भाई, फ्लैश लाइट जब मैं ऑन करता हूँ ना तो आंखें ऐसी चमकती हैं जैसे भूतों की होती हैं, राक्षसों की। छोटू भाई आपकी तो नहीं चमक रही है? नहीं, पास से इतनी चमकती नहीं है, दूर से चमकती है। दूर सुनो, हाँ जी भाई, सिंगल करना? हाँ तो कर दो। तो भाई फाइनली भाई यहाँ पे लगे सोने, मैं वहाँ पे सोऊंगा। ये दवाई खानी पड़ेगी यार, नहीं तो छिक्के लगेंगे सुबह के लिए। और छोटू भाई जा रहे हैं दूर पार वाली साइड सोने के लिए, जिस तरफ को इनकी भेड़ बकरी हैं सारी। तो पूरा बिस्तर उठा लिया छोटू भाई ने। ओ भाई कितनी शांति है यहाँ पे भाई। ये सब बीच में ना खांसी जोर की करनी पड़ती है ताकि कोई हो तेंदुआ तांदुआ तो भाग जाए। वहाँ जा रहे हैं छोटू भाई आगे, उस तरफ बहुत सारी भेड़ बकरी हैं, और यहाँ सोएंगे हम इसमें अंदर टेंट के अंदर। अब लोग बोलते हैं भाई इनको टेंट दे, ये कर वो कर, यार ये ऐसे सोना पड़ता है इनको। अब अकेला छोटू भाई उस तरफ को, कुत्ते होंगे चार मतलब, तो उस तरफ को चले जाएंगे कुत्ते भी, तो कहाँ टेंट में सोएंगे भाई ये, कहाँ स्लीपिंग बैग में। इनके लिए नहीं है स्लीपिंग बैग में, कैसे समझाऊँ लोगों को, यहाँ सोएंगे हम। तो देखो भाई सामने जो आपको लाइट दिख रही है ना, वहाँ गए छोटू भाई सोने के लिए, और हम यहाँ पे हैं। ठीक है छोटू भाई, गुड नाइट। ओके ओके जी, बाय, गुड नाइट भाई। आज कुछ पक्का है यहाँ पे कांड ना, जिस हिसाब से कुत्ते भौंकने लगे हुए हैं। पर आप बताओ कि कैसा लग रहा है नीचे सोने में? बढ़िया। ये तो क्या बोलते, वो तो नहीं है, कम तो नहीं होंगे कपड़े आपके लिए? अगर ऐसा है तो और कपड़े देते हैं और होने यहाँ पे। कपड़े ठीक है, बस अगर रात को कोई जानवर आए कुछ हो तो आप मुझे जगा देना, अगर मैं गया। मैं भाई वो कोई गारंटी नहीं, मैं भाग जाऊंगा, देख लेना अपना क्योंकि अपनी अपनी जान सबको। मैदान छोड़ के तो हम कभी जाते नहीं ना। मैं तो भाग जाऊंगा भाई, देखो सीधी सी बात है। तो जब चार शेर है ना हमारे पास जो भौंक रहे हैं, एक शेरनी है और एक शेरनी है, तीन शेर एक शेरनी और छोटू भाई तो सबसे बड़े बब्बर शेर है, तब टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे भाई भाई सोएंगे, यहाँ पे मेहमान है हमारे आज भाई, कोई कमी पेशी होगी तो बता देना ना। नहीं नहीं नहीं, कमी। बाकी यहाँ पे देखो आग जल रही है, बाकी भाई को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, से तिरछा होके सोना पड़ेगा। बाकी मेरा फोन इतना अच्छा व्यू नहीं कैप्चर करेगा, बट फिर बादल है आसमान में और टेंट लगा हुआ, तो भाई सामने पे यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे हैं और बादल है वहाँ पे देखो। नहीं दिख रहे हैं बादल यार, क्या करूँ मैं, मेरा फोन ही बड़ा बेकार है। अरे के काम लग गया। और बाकी यहाँ भाई आग जल रही है भाई, आपने ना ऐसे इरिटेट नहीं होना मेरी इन सब चीज़ों से, सो जाते हैं भाई। नहीं, कई जो वीडियो देखते हैं ना भाई बंधु, वो जाते हैं इरिटेट, भाई क्या बोलने लग गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो भाई बस मैं अपने स्लीपिंग बैग में सोने लगा हूँ, भाई यहाँ पे ऐसे सो रहे हैं, और अब भाई करेंगे हार्ट 75 चैलेंज, ऐसे जंगल में सोने का जमीन के ऊपर। वो तो चल ही रहा है 2 सालों से, वो तो 75 दिन करना है ना पूरा। मेरे पास स्लीपिंग बैग भी नहीं है, चाहे अपने खेतों में सोना हो ऐसे। यहाँ पे तो चलो कुछ नहीं है ना, पर इनकी बकरियाँ दूर है, जैसे कई बार मैं डेरों में सोता हूँ ना, यहाँ पे तो चलो टेंट लगाया, टेंट नहीं लगाया होता,
आसमान के नीचे, फिर रात को पता क्या होता है, जो छोटे छोटे मेमने होते हैं ना वो ऊपर चढ़ते हैं, अब सोए होते हैं ऊपर आएंगे, ऊपर फिर बार बार जंप करेंगे पीठ पे, नींद नहीं आती कई बार, तो वो सब हमने भाई किया हुआ है। यहाँ पे तो ठीक है, आज आ जाएगी नींद, दूर है ना यहाँ पे, शुक्र। और सबसे दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत होती है बारिश में भाई। हमने मैंने तो ऐसी बारिश देखना है इनके साथ, पूछो ही मत भाई। ठीक है भाइयों, सो जाते हैं, ओके बाय, गुड नाइट, हरिओम। देखो भाई मतलब खतरनाक ही जिंदगी है यार, ये इस तरफ को घास वगैरह सब नीचे को, अब मैं मेरा सिर यहाँ पे होगा, मतलब ये मेरा तकिया होगा यहाँ पे, तो उस तरफ से आ जाएगा स्नेक, मेरे कान में बातें करेगा, हाँ भाई सो गए कैसे हैं, पर कुछ नहीं ऐसा यार, मज़ा बहुत आता है इन सब चीज़ों में। तो भाई लोड ही बहुत होगी, कहानी बहुत होगी, ओके बाय, गुड नाइट।